बहर ग्राम पंचायत पिपरिया के ग्राम बन्ना में गांधी चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक संजय उइके जी ने सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया। तत्पश्चात उपस्थित जन समुदाय को उद्बोधित करते हुए पेशा कानून के बारे में जानकारी दी और कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने पेशा कानून को ठीक तरीके से लागू नहीं किया है। तत्पश्चात ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत होते हुए उसके जल्द से जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। बहर विधायक संजय उइके के साथ कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बहर श्री संतोष बिसेन, जनपद सदस्य निर्मला मानेश्वर, सेक्टर अध्यक्ष पिपरिया अमोल सिंह इनवाती, सूरभ सिंह सिरसम, इंद्रपाल उइके, महादेव कुंजाम, बाबूलाल इनवाती, सावित्री उइके और भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो हमारे इस आदिवासी अंचल में ये एक सबसे बड़ी तकलीफ है कि हमारे आदिवासी युवा कोई स्वरोजगार या रोजगार नहीं प्रारंभ कर सकते। तो इसके लिए कांग्रेस की जब सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, उन्होंने ये इसके लिए भी एक कमेटी बनाई कि क्यों ना हम आदिवासी भाइयों की जमीन गिरवी रखने के बजाय, बहन रखने के बजाय बैंक में, मध्यप्रदेश सरकार जिसमें आदिवासी वित्त विकास निगम होता है हमारे को रोजगार देने के लिए, वो एक गारंटर के रूप में ले बैंक को गारंटी दे कि अगर कोई आदिवासी युवा जिसको स्वरोजगार चाहिए है, लोन चाहिए है, उसकी गारंटी आदिवासी वित्त विकास निगम लेगा। इसके लिए भी एक कमेटी बनाई थी ताकि हमारे युवाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जा सके। लेकिन जैसा आप सब लोग जानते हैं, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि डेढ़ साल में जिस तरह से विधायकों को खरीद पर परोध करके भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रदेश में सरकार बनाई और जिसके कारण फिर से हम प्रतिपक्ष में आ गए। और उसी में आज चूंकि चुनाव है, चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, मध्यप्रदेश सरकार ने एक पेशा नियम लागू किया है। आप सबको मैं बताना चाहूंगा, जिस पेशा नियम और पेशा एक्ट की बात हम बार बार कहते आए हैं कि पेशा में हमको ये अधिकार दिए गए हैं, ये 1996 में सबसे पहले कांग्रेस की सरकार ने, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तो मध्य प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में सबसे पहला अगर कोई राज था कांग्रेस की सरकार में तो दिग्विजय सिंह की सरकार थी जिन्होंने पेशा एक्ट लागू किया। अधिनियम बना था, उसका नियम अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। 15-20 सालों बाद आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेशा नियम बनाया और उस पेशा नियम में आप सबको, हमारे आदिवासी समुदाय को कहा गया है, आप सबने टीवी के माध्यम से देखा होगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार ये कहते आए कि जल जंगल और जमीन का अधिकार हमने आदिवासी भाइयों को इस पेशा नियम के माध्यम से दे दिया। लेकिन मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, अभी अमोल भैया ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास आप सब बनाते हैं, प्रधानमंत्री आवास के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निजी